अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपके लिए आज 410 स्टाइल खिचड़ी लेके आए। जो बरतर से बाद वीडियो आज मैंने कहा चले मिलाद का मौका है, आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बना लेते हैं। मौसम भी बहुत प्यारा है, सर्दी आ रही, तो चले हमने कहा आपको 410 स्टाइल खिचड़ी सिखा दें। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो हमने खिचड़ी बनाने के लिए 2 किलो तकरीबन ये मोटे चावल लिए जो खिचड़ी में इस्तेमाल होते हैं, 1/2 किलो तकरीबन मूंग है सबस, तकरीबन 6 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, पेस्ट चॉपर में पेस्ट बना लिए, और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, और तकरीबन हमने 1.5 किलो गोश्त लिए बगैर हड्डी के। तो ये भी खिचड़ी में हम डालेंगे, आप देखिए आगे आगे रेसिपी। तो व्यूअर्स, अभी हमने खिचड़ी बनानी स्टार्ट कर ली है, जिसके लिए हमने थोड़ा सा घी डाला है। तो व्यूअर्स, अभी इसमें कुछ मोटी इलायची 2 अदद डाल रहे हैं, कुछ पिसी हुई दालचीनी हमारे पास है और चंद लौंग, और इसी में हम अभी गोश्त डालेंगे। फिर गोश्त में हमने लहसुन वगैरह डाला था बॉयल करते वक्त। नमक डालते हैं हसबे जायका, जितना आपको पसंद हो। साथ में कुटी हुई मिर्च, चिली फ्लेक्स, और इसके साथ ही हम ऐड कर देते हैं जो टोमेटो पेस्ट हमने बनाया हुआ था। और साथ ही बस पानी डालते हैं जितना हमारी खिचड़ी के लिए चाहिए हमें, जिसमें चावल अच्छे से नरम हो जाए। तो बस इतना पानी, जी भैया। तो यखनी हमारी अच्छी सी बॉयल अब होने लगी है, बॉयल इससे अभी आ जाएगा अच्छी तरह से। तो साथ ही हम सबसे पहले मूंग ऐड कर लेते हैं, और इसी पॉइंट पर हम साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चावल भी ऐड करते हैं, ताकि चींटे हमारे हाथों पर ना आए। बड़े आराम से इसमें चावल डाल लें। तो व्यूअर्स, आप देखिए हमने सारे चावल डाल दिए, अब बहुत अच्छा सा कलर आए टमाटरों के साथ, और सिर्फ चिली फ्लेक्स हमने डाली और साथ में कुछ खड़े मसाले। तो ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए हमारे चावल और गोश्त, और ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ आपस में। फिर हम इसको एक अच्छा सा कड़ाकेदार सा तड़का लगाएंगे। तो व्यूअर्स, देखिए हमारी खिचड़ी भी अच्छी से रेडी हो चुकी है, चावल भी अच्छी तरह से नरम हो गए, बीच में मूंग भी, गोश्त भी, सारी चीज़ मिक्स हो गई, और ये जो हमने टमाटर डाले थे, तो टमाटर के पेस्ट डालने का ये फ़ायदा है कि ये हर चीज़ को नरम कर देता है, चावल हो हर चीज़ के साथ अच्छी तरह से नरम हो जाए। तो अभी हमने खिचड़ी के लिए तड़का तैयार कर दिया है, जो इसमें हमने 1.5 कप तकरीबन ऑयल डाला है, और जो प्याज हमने 2 मीडियम साइज़ के काट के रखे हुए थे वो डालें। अब इसमें हम ज़ीरा डाल रहे हैं, और फिर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, कुछ हमने उधर डाली थी कुटी हुई साबुत मिर्च, और थोड़ी सी हम इधर डालते हैं फ्लेवर के लिए, और 1 चम्मच इसमें अब हम हल्दी ऐड करेंगे। तो ये 1 चम्मच हमने हल्दी इस ऑयल में डालनी है, तो फिर फटाफट से चूल्हा बंद कर देते हैं, ताकि हल्दी जले नहीं, और इसको जल्दी से चावलों में ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा अच्छा सा तड़का तैयार हो गया चावलों के लिए।